आने वाला भविष्य आपका खराब होने जा रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकलो और इस लड़ाई के साथ हमारे साथ जुड़ें। ये इतने लोग खड़े हैं, ये भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ ना बने। हमें नरक तो मत दो यहाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। वैसे गवर्नमेंट कैसे और इसमें डीडी और कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर ऐसे हाल कर रहे हैं। यहाँ से ये नाला कवर होगा क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मच्छरों की दिक्कत, बदबू की दिक्कत यहीं पर थी। पूरा विकासपुरी इस चीज से परेशान था। आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोई हुई है या हमारी आंखों पे पट्टी बांध रही है? नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया के एक ग्राउंड में। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्राउंड है, जो आप देख सकते हैं इस ग्राउंड को, ये जो है जल्द ही एक डंपिंग ग्राउंड में तब्दील होने वाला है। इसी के साथ अगर हम सामने देखें तो वहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कई बिल्डिंग्स है जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर जो है कैमरा दूसरी तरफ घुमाया जाए तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वो एक रेजिडेंट एरिया है, वहाँ पर कई सोसाइटीज़ है और वो विकासपुरी का इलाका वहाँ से शुरू हो जाता है। इसी को लेकर वहाँ पर रहने वाले तमाम लोगों को काफ़ी कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है डंपिंग ग्राउंड में जो है ये कन्वर्ट होने वाला है। इसको लेकर यहाँ के लोगों को जो है काफ़ी कुछ कहना है। आइए एक बार यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर उन्हें यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बनने से क्या कुछ परेशानी आएंगी, उन्हें क्या कुछ दिक्कत है। सर, जैसे कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनेगा तो इसके बाद यहाँ की प्रॉपर्टी के रेट जो है उन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, प्रॉपर्टी के रेट तो डाउन जाएंगे ही जाएंगे, बट यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे मुझे इस बारे में बताया जाए ना, कि वो तो बात की बात है। सबसे पहले है इंसान की सेहत। प्रॉपर्टी लाइफ के ऊपर नहीं है। अगर लाइफ होगी तो अपना प्रॉपर्टी काम आएगी, जब लाइफ ही नहीं होगी तो प्रॉपर्टी को छाती पर लगाएंगे क्या? MCD, हाय हाय, MCD, हाय हाय, MCD, हाय हाय, MCD, हाय हाय, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, MCD, हाय हाय। लोग घरों में बैठे हैं ना आज और इसको देख रहे हैं घर में बैठे हुए। आने वाला भविष्य आपका खराब होने जा रहा है। अभी भी मैं कह रहा हूँ घर से बाहर निकलो और इस लड़ाई के साथ हमारे साथ जुड़ें। ये इतने लोग खड़े हैं, ये भी यहाँ पे इसीलिए आए हैं कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ ना बने। आपसे पुनः निवेदन है कि दोबारा एक बार घर से बाहर निकलें। आगे आजकल में हम प्लांटेशन का काम शुरू करने वाले हैं, इसमें उसमें आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम शिल्पा धवन है और मैं विकासपुरी की निवासी हूँ, 12 इस केशवपुर से। यहाँ पे एक पूरा एक ग्रीन लैंड था हमारा, जो कि पिछले कुछ दिनों पहले इसको डंपिंग जोन बना दिया, कूड़े का घर। ये 11 सोसाइटीज यहाँ से कवर होती हैं, कुछ ऐसे एच ब्लॉक, जे ब्लॉक, जी ब्लॉक, पूरा यहीं से कवर होता है। इसको डंपिंग जोन, एक ग्रीन यार्ड को पेड़ काट के बनाने का डिसीजन किस बेसिस पे लिया गया, पहले तो हमें इसका जवाब दिया जाए। अब ये नया कलेश हमारी जान पे डाल दिया है, हैं? पहले ही मच्छरपुरी नाम बना हुआ है, लोग दूर से ही हाथ जोड़ देते हैं जी हम नहीं आ रहे विकासपुरी, बड़े मच्छर है तुम्हारे घर में। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे बदबू आ रही है और यहाँ चीले वगीले हैं, क्या कर सकते हैं बताइए? इसमें हमारा कुछ वो नहीं है ना, हम सीनियर सिटीजन है, हम लोगों की तो जान को आफत आ गई है। अब वो देखो घर बन रहे लोगों के, उधर बन रहे है, इधर है, इधर है, उसके बीच में कूड़ेदान बना रही है जी। ये जिसने पास किया और जिसने करवाया है उनको सोचना चाहिए था, दिमाग नहीं था उनका क्या? आम बंदे का दिमाग होता है। हमें नरक तो मत दो यहाँ, हमारी जिंदगी तो बर्बाद मत करो। वैसे गवर्नमेंट कैसे और इसमें डीडी और कॉर्पोरेशन दोनों मिलकर ऐसे हाल कर रहे हैं, पब्लिक का क्या हाल होगा? पब्लिक कहाँ जाएगी वोट मांगने? तुम घर घर आ जाते हो और जब हम जिंदा रहेंगे तो अभी तो वोट लोगे? आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, सोई हुई है या हमारी आंखों पे पट्टी बांध रही है? आप खुद देखे ना, आज गवर्नमेंट ने जिसने तब पोल्यूशन फ्री किया था दिल्ली को, आज वो क्या कर रही है? दिल्ली को ही पोल्यूटेड कर रही है। दिल्ली के सेंटर में आप ये सब कर रहे हो, ये चीजें आउट ऑफ दिल्ली होती है, बॉर्डर्स पे होती है, जैसे गाजीपुर है, बलसवाड एरिया, ना कि दिल्ली के अंदर, वो भी पॉश इलाके में। पेड़ पराना भी इनको बोलते हैं, हम काटने के लिए तो कहते हैं नहीं नहीं कोर्ट का ऑर्डर है, मर्डर केस के बराबर सजा मिलेगी, तो इधर कितने पेड़ काट दिए उसका जवाब देना है एमसीडी, किससे पूछ के काटे हैं? ब्लॉक में से 40 साल से बना हुआ है, हमें कोई फैसिलिटी, हर तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दे रखी, ऊपर से अब नया ये बना के हमें और परेशान किया जा रहा है और पब्लिक भी परेशान है हमारे, आगे सारी इंडस्ट्रीज एरिया तो परेशान होगा ही होगा और रेजिडेंस एरियो को और ज्यादा दिक्कत होगी, तो इसे रोका जाए। नहीं नहीं, हमारी दो एसोसिएशन है, हम दो जगह से, हम लोगों ने ये प्लॉट इंडस्ट्रियल एरिया में 2 साल पहले 3-3 करोड़ के डीडीए से ऑक्शन पे लिए हैं, जिसमें इसको ग्रीन पार्क दिखाया गया है, इसको एमसीडी को डेवलपमेंट के लिए दिया गया है, इसको एमसीडी ने अपने निजी काम के लिए पंजाबी बाग से यहाँ डंपिंग यार्ड शिफ्ट कर रहे हैं, जो हम किसी भी कीमत पे नहीं होने देंगे। मैं NDMC अपार्टमेंट का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, हम यहाँ पर लास्ट 22 साल से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये जो ग्रीन लैंड है, इस ग्रीन लैंड को डंपिंग यार्ड में कन्वर्ट किया जा रहा है, लोगों का यहाँ रहना दुब्बर हो जाएगा। ऑलरेडी हम यहाँ से परेशान हैं, एक नाला पीछे चलता है वो ओपन रहता है,
CTPT का प्लांट लगा हुआ है, उसके बाद तुर्रा ये है कि ये चीज़ लाके हमारे मत्थे मर दी गई है। आज की डेट में हम उनसे इतना परेशान हैं, आगे आने वाले टाइम में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्गवार, उनकी सेहत का क्या होगा, उनके हालात क्या बनेंगे, हम लोगों के हालात क्या बनेंगे, भगवान मालिक है। अगर कोई सुनने वाला है तो हमारी फरियाद सुने, इस चीज़ को यहाँ पर रोका जाए, नहीं तो हम आगे कोर्ट तक जाएंगे, धरना देना हो धरना देंगे, हम ये नहीं बनने देंगे यहाँ पे। अभी तक आप लोगों ने कोई कंप्लेंट लिखवाई है? हाँ मैडम, आगे कोर्ट में भी जाएंगे, कंप्लेंट हम अपनी LG को डाल चुके हैं, DDA को भेजने वाले हैं, अब हम कोर्ट में जाएंगे, हम ये काम नहीं होने देंगे। LG की तरफ से कुछ जवाब आया? अभी कोई जवाब नहीं आया जी, within 2-3 days जवाब आता है, ठीक है, नहीं तो हम कोर्ट में जाके स्टे लेंगे जी इसका। हमें ये रुकवाना है किसी कीमत पे भी, और हम सब लोग, आप सबकी फोटो लीजिए, सारे एसोसिएशन के लोग एक साथ हैं और सब मिलके इस धरने में बैठेंगे जी। हेल्थ हजार्ड है और हेल्थ से जो है कम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, एंड इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 पीपल, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सो मेनी सोसाइटीज, सो इट शुड बी स्टॉप्ड। सुप्रीम कोर्ट का पहले ही एक कानून है, जो भी ग्रीन लैंड शोन है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं हो सकती, तो ये MCD ने कर कैसे रही है? जब इसमें पार्क दिखा रखा है तो पार्क को वो डंपिंग ग्राउंड कैसे बना सकते हैं, जबकि सामने इतनी सारी सोसाइटियाँ हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो क्या उनकी सेहत के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं? इनको पूछा, इधर शेयर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके बाद नवजागढ़ का नाला है, जो हमारे घर के AC पंखे हर रोज क्या कहते हैं वो खराब होते हैं, और हम पहले ही नवजागढ़ ट्रेन से परेशान हैं। मैम दूसरी एक बात, I want to say one thing, बिकॉज ऑफ कोविड मोस्ट ऑफ दी पीपल, ओल्ड पीपल आर स्टेइंग, उनके लंग्स जो हैं पूरे कमज़ोर हो गए हैं, उनके लंग्स कमज़ोर हो गए, गवर्नमेंट मर गई है कह के कि भैया अपने को बचाओ, मैं खुद अभी तक लगाता रहता हूँ, सब लगाते हैं यहाँ पर, उनके लंग्स कमज़ोर हैं और आप उनको मदद कर रहे हैं लंग्स को कमज़ोर और करने के लिए, वी आर अफेक्टेड। पहले तो ये पार्क था, अब ये पार्क की जगह ये ग्रीन लैंड की जगह ये क्या बना दिया? कम से कम पब्लिक से तो पूछा जाता, कितनी RW, सारी RW अपने लेटर लेके आई हैं, और चाहे हमें यहाँ धरना दे के हमें मरना पड़े पर हम इसे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको कैंसिल करा के मानेंगे, स्वयं अगर हमें दीवारें तोड़नी पड़े हम खुद तोड़ेंगे। एयर पोल्यूशन यहाँ की चेक करिए आप, जो गंदे नाले से जो गैस आती है, आप खड़े नहीं हो सकते मॉर्निंग में। ये जो ग्राउंड का जो सिलेक्शन किया गया है, ये एयर कंडीशन कमरे में बैठ के सिलेक्शन किया गया है, आई एम टेलिंग यू फैक्ट। उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ कैन यू सिलेक्ट दिस एरिया, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर सोसाइटी है चारों तरफ है, यहाँ पर आपका पेट्रोल पंप है, वहाँ पर आपके कारखाने वहाँ पर हैं, हाउ दे विल गो। यहाँ पे कंपोस्ट खाद, पहले बोला था इन्होंने कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, हम इन्होंने कहा था इट इज़ प्योरली टेम्परेली, और एक हम एक एक्सपेरिमेंटल है, ये क्या एक्सपेरिमेंट करें उसके बाद हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। हमारी बल्कि श्वेता सैनी से भी बात हुई थी इस बारे में, उन्होंने कहा था ये एक्सपेरिमेंटल है और इसको टेम्परेरी हम बना रहे हैं, ये था। एक्चुअली मैडम ऐसा होता है, कोई भी प्लान इम्प्लीमेंट करने से पहले प्री फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, ऐसे नहीं होता, और रेजिडेंट्स जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बिना राय के आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब से ये मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले और ये नया जो मास्टर प्लान है, इसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो मास्टर प्लान नया जो बनाया था, जो DDA ने अभी बनाया है, उसमें स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इफ़ द स्टेक होल्डर कंसल्टेशन इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डू। सेकेंडली, इट इज़ ए ग्रीन लैंड का तो आप लैंड यूज चेंज ही नहीं कर सकते। यहाँ पे पार्क था, पार्क है, अभी भी है पार्क, तो पार्क को आप कैसे चेंज कर सकते हैं ग्रीन लैंड को? ग्रीन टर्मिनल क्या कर रहा है? दे आर सिटिंग ऊपर से, ये एयर पॉल्यूशन और हो जाएगा, फिर लोगों के आप देखिए ना, हार्ट पेशेंट हैं, सब कुछ हैं, क्या हाल होगा, सांस कैसे लेंगे, क्या लोगों को मारने की तैयारी है? और ये इस तरीके से ग्रीनरी को हटा के जो है ये इस तरह का कचरा वगैरह और ये सब फैला रहे हैं। पिछले साल विकासपुरी सुधार समिति का चेयरमैन होने के नाते श्वेता सैनी वार्ड काउंसलर जो हमारी थी, वो चेयरमैन बनी थी, उन्होंने मेरे को मीटिंग में बुलाया कि आपके जो पत्ते पार्कों के इकट्ठे होते हैं, इसको कंपोस्ट बना के, इनकी खाद बना के आपको फ्री में दिया जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जगह घेर रहे हैं। जो ये जगह, हाँ, एक थोड़े दिनों बाद दोबारा फ़ोन आया, हम दोबारा गए तो आया कि एक बड़ा प्लांट बन रहा है, उसमें कंपोस्ट जो हमारे छिलके होते हैं सब्जियों के, उसके लिए बड़ा अच्छा, हाँ, ऑर्गेनिक प्लांट बनाने की योजना आ रही है, तो पीछे की जगह दिखाई थी नाले के उधर उस तरफ, ठीक है। अब पता नहीं किन कारणों की वजह से अपने कच्चे लालच की, मेरे को डर नहीं लग रहा इस बात में, क्योंकि 5% सिलेक्ट होता है जो ठेकेदार का टेंडर होता है, अपने 5% के लालच के चक्कर में उसको जगह नहीं मिली, उसने ये ग्रीन बेल्ट जो मास्टर प्लान 2021 के तहत
2010 के बाद ग्रीन बेल्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी पता नहीं किस मिली भगत से ये बाउंड्री वाल हो रही है और ग्रीन बेल्ट में ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है। आप कंक्रीट की एक चीज़ नहीं लगा सकते ग्रीन बेल्ट में। और ये डीडीए की जो प्री प्लान कॉलोनी है इसमें वो दीवार भी लगा रहे हैं और कंक्रीट का काम भी हो रहा है और ग्रीन बेल्ट बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। इसके लिए अब ये जो सोसाइटी है हमारी 10, उन्होंने मिलकर एक बीड़ा उठाया है, इन्होंने लेटर लिया है केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिए के जो प्रेसिडेंट हैं उनके थ्रू मिलके हम वकील करने जा रहे हैं और ये कवरिंग लेटर के थ्रू। और हमारे जो राजीव बब्बर जी हैं उन्होंने हरदीप पुरी जी से टाइम लिया है, उनसे भी मिलेंगे। ये हम किसी कीमत पे यहाँ बनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए एक आधा मुकदमा हमारे जो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं उनसे भी बात हुई है, वो सारे इसके खिलाफ हैं क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं। आप मॉर्निंग में देखिए, आप खड़े नहीं हो सकते यहाँ पे बिकॉज ऑफ नाला। नाला इज़ ऑलरेडी एडिंग फ्यूल टू द फायर और उसके बाद इसमें भी है ना आपका वही गैस एमिट होगी। जैसे ही कल पता लगा कि इधर ये चीज़ बनने जा रही है तो हम बहुत सख्त विरोध करते हैं। किसी हालत में भी विकासपुरी की जनता ये काम होने नहीं देंगी। पहले ही लोग इसके ऊपर बड़ा असर है, पहले चमड़ा फैक्ट्री होती थी यहाँ, हम पिछले 40 साल से बहुत परेशान रहे किस तरह से वो गई। नाले का भी उम्मीद रखते थे शायद ठीक हो जाएगा, इसको भी टाइम लग रहा है। अगर यहाँ डंपिंग यार्ड बना देंगे तो लोगों को और बहुत परेशानी होगी, लोग बीमार होंगे। मैं ब्रदरहुड अपार्टमेंट का प्रेसिडेंट होने के नाते आपसे बताऊंगा कि एक तरफ तो पिछली जो कॉरपोरेटर थी उन्होंने ये कहा था कि आप अपने यहाँ ड्रम लाइए, ड्रम लाकर खाद बनाइए, और हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उसको अडॉप्ट भी किया और कोशिश की वहाँ खाद बनाने की। अभी भी हम खाद वहाँ बनाते हैं लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ जहाँ बेंच बिछे हुए थे, 2 साल पहले मैं प्रदूषण कराने आया था अपनी गाड़ी का और यहाँ पर 4-6 बेंच मैंने देखे थे, मेरे को बड़ी खुशी हुई थी कि यहाँ पर पार्क बनेगा, लेकिन ऑल ऑफ सडन पता नहीं MCD के दिमाग में क्या है, MCD के लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, चाहे उसमें राजनीति के लोग हैं या ब्यूरोक्रेसी है। पैसे देने के लिए, वेतन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। कर्मचारी हमारे पास आकर रोते हैं कि हमारे को तनख्वाह नहीं मिल रही। ऑन दी अदर हैंड लाखों ईंट ला के यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। ये जो सीनियर सिटीजन है उनकी सांस को दबाने वाला काम है, उनको मारने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सीनियर सिटीजन की सोसाइटी से सारी 35-35 साल से ये रह रहे हैं लोग, सारे सीनियर सिटीजन हो गए हैं, ये आखिरी सांसें ज़िंदगी की गिनना चाह रहे हैं, शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन ये MCD के लोग और MCD की अफसरशाही ऐसे ऑर्डर पास कर देती है कि हमारी नींद हराम हो रही है। मेरा करबद्ध निवेदन है, मैं तो सबसे पहले उपराज्यपाल महोदय और निगम आयुक्त को कहूँगा जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है दिल्ली को, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सीनियर सिटीजन की तरफ से कि आप इस फैसले को वापस लीजिए, हमें कोर्ट में ना जाना पड़े। विवश होकर हम कोर्ट में जाएंगे, PIL भी लगाएंगे और धरना भी देंगे, जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी पूरी जिम्मेदारी MCD और लेफ्टिनेंट गवर्नर की होगी। मेरा अनुरोध आज इस मंच से ये है कि प्रवेश वर्मा जी जो हमारे संसद सदस्य हैं इसको नोट करें और ये खाद का कारखाना यहाँ नहीं लगना चाहिए। इसको देखते हुए कोई बैन नहीं है तो मैं चाहूँगा अपनी सोसाइटी की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, प्लस पूरे अपने जो हमारी सोसाइटीज़ के मेंबर या RW के हैं कि सभी की तरफ से कि ये इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए और इसको बैन किया जाए। तो देखिए फिलहाल हम यहाँ पर मौजूद तमाम निवासियों से जुड़े जो कि विकासपुरी में रहते हैं और केशवपुर इंडस्ट्रियल एरिया से हैं। हम आपको बता दें विकासपुरी में अगर हम इस डंपिंग ग्राउंड के सामने नज़र डालेंगे तो वहाँ पर जो है करीबन 11 से 12 सोसाइटी हैं जो कि इस कूड़े घर के बनने के काफ़ी ज़्यादा खिलाफ है। उन्होंने हमें कहा कि वो इस कूड़े घर के खिलाफ जो है लीगल एक्शन लेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर जो है एक ग्रीन जोन हुआ करता था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ हुआ करते थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो पेड़ हैं वो भी काट दिए गए और डंपिंग जो ग्राउंड है, जो कूड़ा घर है, वो बनाने की जो है अर्जी यहाँ पे लग गई है और जल्द ही उस पर बनाने का काम भी यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हम देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है, यहाँ दीवारें खड़ी हो रही हैं कूड़ा घर बनाने के लिए। तो फिलहाल यहाँ के लोगों की यही मांग है कि यहाँ पर कूड़ा घर ना बने, अगर यहाँ पर कूड़ा घर बना तो ये लोग लीगल एक्शन लेंगे। इसी के साथ इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर नजफगढ़ का नाला जो है वो बेहद ही नज़दीक है, जिसके कारण इन लोगों को पहले से ही समस्याएं हो रही है, लेकिन अगर अब ये डंपिंग ग्राउंड बना तो इससे इनकी समस्याएं और बढ़ जाएंगी, ये इलाका जो है प्रदूषण की चपेट में आ जाएगा। तब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में हमारे साथ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल, तेज़तर्रार न्यूज़ दिल्ली।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।